देखिए रिपर इसके अंदर प्रॉपर चल जाएगा सर जी 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 क्र एम काम करते समय जैसे मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो हार्ड मिट्टी में क्या फ्यूल की खपत रहती होगी पड़ती होगी सर ये 800 ml लेता है सर मतलब दोनों मॉडल जो है 800 ml का लेता है सर आँ... गारंटी वारंटी को लेकर गारंटी वारंटी क्या मिलती है? है। इसका साल साल का पूरे का का पूरे गारंटी रहता है। जी प्रॉपर। नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है एक नई और शानदार वीडियो में किसान भाइयों जैसा आज का जो टाइम है दोस्तों लेबर की बहुत ज्यादा समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए दोस्तों हम आपको जो ये मशीनें दिखाने वाले हैं दोस्तों ये हैं डीजल से चलने वाली किसान भाई अभी तक देखते थे पेट्रोल से चलने वाली मशीनों की भरमार वीडियो हमारे किसान भाई देखते रहते हैं यूट्यूब पर लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों डीजल से चलने वाली और जो डीजल से चलने वाली होती हैं दोस्तों आप सब समझते हो एक ट्रैक्टर भी डीजल से चलता है उसके अंदर कितनी पावर होती है उसी टाइप से दोस्तों इनके इंजन भी भारी भरकम होते हैं और जो है लोड भी अच्छा लेके ये चलने वाले हैं तो आइए दोस्तों लेकर चलेंगे हम आपको आज हरियाणा के जींद के अंदर और दोस्तों कंपनी का नाम है आर एस एन एग्री इंजीनियरिंग वर्क तो मिलाऊंगा जो कंपनी की ओनर हैं पूजा जी उनसे नमस्कार मैम नमस्कार सर नमस्कार मेरे किसान भाइयों मैम सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी सर देखिए मेरे किसान भाई मेरे को जानते ही हैं मैं पूजा नैन आर एस एन एग्री जींद हरियाणा से जी 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 मैम जैसे हमारे किसान भाई देख रहे हैं सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट की बात करेंगे जो आगे इतने सारे ये औजार रखे हुए हैं इनसे हमारे किसान भाई क्या क्या कार्य कर सकते हैं और ये बाकी में इन मशीनों के साथ चलते हैं नही है दिखाने के लिए रख रखे हैं आपने सर देखिए जितना भी अटैचमेंट यहाँ पे रखा हुआ है सारा का सारा अटैचमेंट वो सभी इन मशीनों पे लगने वाला है लगने वाला है सबसे पहले बात करेंगे मैम इसको लेकर देखिए तो, जी जी आ, जो आयरन व्हील है वो टायर को निकाल के जब हम टायर को फील्ड में खेत में लेके जाते हैं तो वो स्लिप करता है मतलब इसके पीछे अगर हम जो फाइव टाइम कल्टिवेटर है वो लगाते हैं तो हमें टायर निकालने के बाद ये लगाने की जरूरत पड़ेगी ये आयरन व्हील लगाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल ये फाइव 510 कल्टीवेटर इसको तो हमारे किसान भाई पहले से ही जानते हैं ये जो देख रहे हैं इसे क्या बोला जाता है मैम ये पेड़ी व्हील मडल व्हील जिसको बोलते हैं मतलब कीचड़ बनाने के लिए धान बनाने के लिए कद्दू बनाने के लिए पाड़े काटना इसको जी 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 अलग अलग राज्य में अलग -लग अलग भाषाओं से जाना भी भी जाता है जी अब आगे देख रहे हैं मैम ये क्या चीज है ये रीजर है जो नाली बनाने के काम आता है ये जी। दोनों रीजर है ये सेम ये दोनों का काम यही रहता है लेकिन बिल्कुण। ये ज्यादा एडजस्ट ज्यादा एरिया कवर करके चलता है ज्यादा एरिया कवर करके अच्छा ये क्या देख रहे हैं हमारे किसान भाई ये सर इसको डिच्चर बोलते हैं जी 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 जो डिच्चर रहता है वो मिट्टी को बुबरा बुरा बनाता है और बेड भी बनाता है और बेड भी बनाता है सर अच्छा ये थ्री टाइम कल्टीवेटर किसानी साथ ही साथ जो है एक ये मिट्टी पलटने के लिए बनाया हुआ है और ये आगे जो है

दी हुई है सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मॉडल को लेकर किसान भाई जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं ये सारे मॉडल जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डीजल से चलने वाले हैं साथ ही साथ हमारे गन्ना किसानों का भी इस वीडियो के माध्यम से विशेष ध्यान रखा हुआ है क्योंकि दोस्तों मुझे जानकारी है गन्ने की मैं प्रॉपर गन्ने का किसान हूँ तो गन्ने के लिए जुताई के लिए काफी परफेक्ट मॉडल इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाने वाले हैं बात करेंगे इस मॉडल को लेकर कितने एचपी का इंजन है मैम इसके अंदर नो एच का इंजन रहता है सर इसके अंदर नो एचपी का इंजन इंजन की क्वालिटी बताइए और मैम किस कंपनी का इंजन इसके अंदर है ये डक्सास का इंजन दिया हुआ है सर अच्छा क्वालिटी की बात करेंगे जो इसके अंदर कल पुर्जे लगे हुए पुर्जे लगे हुए किस टाइप के लगे सर देखिए जो इसके अंदर पुर्जे जिसको आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के हमने इसके अंदर जी जी बच्चे को लगाया हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो है प्रीमियम क्वालिटी बोल सकते हैं क्वालिटी में प्रीमियम सर अच्छा एक चीज देख रहे हैं जैसे गियर बॉक्स काफी हैवी कर दिया है कितने लीटर का है ये ढाई लीटर का गियर बॉक्स दिया हुआ है सर जी, जी। अच्छा एक चीज मुझे इस वीडर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही जैसे साइलेंसर मुझे दिख रहा है टंकी आगे दिख रही है लेकिन एयर फिल्टर की व्यवस्था मुझे लग रही है इसके अंदर नहीं है सर देखिए अगर एयर फिल्टर नहीं होगा अगर हमारे नाक नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे एयर फिल्टर के बिना ये मशीन चलेगी कैसे? बिल्कुल 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 तो जो ये, ये आगे दिया हुआ है ये बिल्कुल एयर फिल्टर ही दिया अच्छा ये एयर फिल्टर ही दिया है इसको कवर करके रखा हुआ जी है सर जी। इस इसका लुक भी जो है काफी अच्छा होगा ताकि इसके ऊपर मिट्टी न जाए और मशीन को किसी प्रकार की हानि हानि ना हो अच्छा जैसे कुछ और भी यूनिक इस मशीन के अंदर मुझे दिख रही है किसान भाई भी देख रहे होंगे इस मशीन को नीचे से भी पूरा प्रॉपर कवर करके रखा सर, हुआ है देखिए जब मशीन चलती है तो ये मिट्टी फेंकती है बिल्कुल बिल्कुल पूरी की पूरी मिट्टी मेरे किसान भाइयों के ऊपर आती है जिससे किसान भाइयों को भी तकलीफ होता तो है तो इस मशीन को पूरे को कवर किया हुआ ताकि मिट्टी बैक साइड में ना फेंके और ये साइडों में ना फेंके जी अब टायर की बात करेंगे मैम जैसे टायर है हमारे किसान भाई घर से खेत पे जाते हैं तो वहाँ जरूरत पड़ती है टायरों की टायर जो है किस टाइप के है देखिये जो इसके अंदर टायर दिया हुआ वो बिल्कुल अपना यह जो टायर रहता है उस सेम वही टायर दिया हुआ है सॉलिड टायर है सॉलिड टायर का इसमें प्रोविजन न तो इसमें हवा डालने की जरूरत है ना ही इसके अंदर ट्यूब डालने की जरूरत है अब पीछे जैसे बढ़ेंगे हम हैंडल को लेकर किसान भाई हैंडल इसका एडजस्टेबल एडजस्टेबल दिया बिल्कुल 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 यहाँ से आप इसको कम ज्यादा अपने हाइट के अनुसार आप यह डाउन कर सकते हैं किसान भाइयों और गेयर की जो व्यवस्था है वो दोस्तों में बताना चाहूंगा दो फॉरवर्ड और एक हमारे किसान भाइयों को रिवर्स मिल जाएगा और इसके अंदर एक इजी सेफ्टी क्लच की भी व्यवस्था प्रॉपर दे रखी है अब पीछे जैसे हम दो चीजें देख रहे हैं बीड़र के अंदर जैसे के अंदर पीटीओ होती है हिच होता है वही चीज इसके अंदर दे रखी है। क्या काम करने वाले हैं ये सारी चीज़ें? सर जो इसके अंदर पीटीओ साफ दिया उस पर हम रिपर अल्टीनेटर वाटर पंप स्प्रे पंप और इसके जो पीछे हिच दिया उस पर हम काफी अटैचमेंट है जैसे रीजर कल, कल्टीवेटर हो गया आयरन व्हील हो गए आयरन व्हील तो टायर को निकाल के लग जाएंगे जी, 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 और जैसे सिंगल प्लाउ हो गया ये काफी अटैचमेंट है सारे अटैचमेंट इसके हिच के, के, के पीछे लगा के चला सकते अच्छा हम जैसे अभी आप बात कर रहे थे रीपर की रीपर प्रॉपर चल जाता है या केवल कहने की बात है सर देखिए रीपर इसके अंदर प्रॉपर चल जाएगा सर जी 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 अब मैम आगे बढ़ेंगे हमारे किसान भाई आगे देख रहे हैं ये जो है ये मैनुअल स्टार्ट है अब वो बात करेंगे अगले मॉडल की मैम ये जो मॉडल है ये मुझे दिख तो सेम रहा है लेकिन सर, सर देखिए ये दोनों सेम मॉडल रहते हैं सेम इनका प्रोविजन रहता है जी 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 इसके अंदर सिर्फ एक ही इसके अंदर वो दिया हुआ है ये ये सेल्फ सेल्फ स्टार्ट के अंदर दिया ये हुआ। है और ये मैनुअल है ये मैनुअल और रोटरी कितने ब्लेड की चल जाएगी दोनों पच्चीस ब्लेड का, 32 रही रही का। और अगर हम बात करें मैम काम करते समय जैसे मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो हार्ड मिट्टी में क्या फ्यूल की खपत रहती होगी प्रति ये आठ सौ एम एल लेता है सर मतलब दोनों मॉडल जो है 800 सौ का लेता है सर आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों एक मॉडल और देख रहे हैं काफी बड़े टायर के साथ इसकी जानकारी करेंगे मैम से कि इसके अंदर जो इंजन है वो कौन सी कंपनी का और कितने एच का है जी ये बारह एच का इंजन रहता है सर इसके जी, अंदर। जी 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 डक्सास का इंजन रहेगा जो अपने पास में जो भी जितनी मशीनें हैं सभी के अंदर डक्सास का इंजन मिलेगा आप मैम जिस किसान भाई देख रहे हैं बड़े टायर भाई अभी तक देखा था छोटे टायर थे बड़े टायर देने का मुख्य कारण क्या है सर देखिए बड़े टायर जब मेरे किसान भाई खेतों में या फिर रोड पे चलते हैं तो वो ट्रॉली वगैरह लगा के चलाते हैं बिल्कुल और दूसरा अगर हम 12 एचपी के इंजन में छोटा टायर हाँ, देंगे तो इंजन तो, मशीन भी हैवी हो जाती जी है जी सर उसे मशीन हैवी हो जाएगी और उसपे लोड ज्यादा आ जाएगी अच्छा जैसे ट्रॉली की बात कर रहे हैं ट्रॉली में कितना बोझा लेके किसान भाई चल सकते ये कम से कम डेढ़ टन तक लेके चल सकते डेढ़ टन मतलब बोल सकते हैं पंद्रह क्विंटल हाँ जी सर पंद्रह क्विंटल अब इसकी और जो खूबियाँ हैं वो जानकारी करेंगे यहाँ पे एयर क्लीनर तो प्रॉपर उसी की तरह दे ही रखा है जी जी और बैटरी की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे दे रखी बैटरी है बैटरी दिया हुआ है जो बैटरी के साथ में रहेगा मेरे किसान भाइयों को अलग से बैटरी नहीं लेना बैटरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अच्छा जैसे गियर बॉक्स है इसका काफी हैवी है मशीन है भी है गियर बॉक्स है भी है कितने लीटर का गियर बॉक्स है मैम ये ढाई लीटर का गियर बॉक्स रहता है ढाई लीटर का और इसके अंदर जो इंजन ऑयल है वो कितना पड़ता है लगभग ये इंजन ऑयल 1200 ml रहेगा अच्छा 1200 ml इसका हैंडल भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं तीन भागों में डिवाइड कर दिया है दोस्तों चाहे तो आप 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं या अपनी हाइट के अनुसार अप या, या डाउन, डाउन कर सकते, कर सकते हैं तीन सौ साठ डिग्री पे घुमाने की क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों अगर हम रीपर लगा के इससे अपनी फसलों की कटाई करते हैं तब 360 डिग्री पे इसे घुमाने की जरूरत पड़ती है प्रॉपर क्योंकि मोटी पीटियों का प्रावधान इसके अंदर दे रखा है मैम जैसे पीछे हिच देख रहे हैं ट्रॉली तो बताई थी किसान भाई चाहते हैं इस पर सीट लगाना तो सीट भी लग जाएगी ना सीट लग जाएगी सर जी सीट, सीट लगा, लगा के, के आप इसको कहीं भी रोड पे या कहीं भी आपको आना जाना है तो आप जा सकते हैं सर अच्छा गियर की व्यवस्था क्या है मैम कितने गियर दे हैं? तीन फॉरवर्ड तीन गियर दिए हुए हैं दो फॉरवर्ड और, और एक, एक रिवर्स एक रिवर्स गियर की व्यवस्था इसके अंदर दे रखी है अब जैसे हम मशीन काफी है अभी तक हमारे किसान भाई देख रहे थे जो छोटे मॉडल थे किसान भाई तीन देख चुके हैं इस वीडियो के अंदर एक मेन चीज हो, होती है गारंटी वारंटी को लेकर गारंटी वारंटी क्या मिलता है इसका डेढ़ साल का पूरे का गारंटी रहता है जी डेढ़ साल का प्रॉपर गारंटी रहता है अब किसान भाई जैसे हम वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि इस वीडियो में हम हमारे जो गन्ना किसान है उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है तो दोस्तों ध्यान की बात मैं बताना चाहूंगा लड़ाई उड़ाई के लिए काफी समस्या रहती है बैलों से प्रॉपर जुताई ठीक से नहीं हो पाती है क्योंकि दोस्तों बैल पहली बात तो मिलते ही नहीं है देखने को तो उनके लिए ये जो बैक रोटरी पावर टिलर है दोस्तों काफी परफेक्ट है मैम सबसे पहले इसके रूटा बेटर को बारे में जानकारी करेंगे कितना एरिया कवर करके चलती है ये साढ़े तीन फीट तक का एरिया कवर करके चलिए और एडजस्ट भी हो जाती होगी एडजस्टेबल रहती है सर बिल्कुल ट्रेंच विधि के लिए तो दोस्तों काफी परफेक्ट मॉडल है मैम सबसे पहले हम जानकारी करेंगे इसके हैंडल को लेकर मान लो ये थोड़ा ऊपर है अभी डाउन करना रिपर भी रिपर तो भी, भी लग जाएगा, जाएगा प्रॉपर इसके साथ अप डाउन करने के लिए कोई बटन है या बोल्ट खोलने पड़ेंगे मैम इसके अंदर नहीं यहाँ से अप डाउन हो जाएगा जी 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 अच्छा यहाँ से हमारे किसान भाई जो है इसे अप डाउन कर सकते हैं हैंडल हैं को काफी परफेक्ट है हम जैसे भारी भरकम मशीन है हम जुताई करते करते खेत के नेक्स्ट छोर पे पहुंच जाते हैं अब हमें मोड़ नहीं है मशीन तो कुछ डिफेंशियल गियर वगैरह इसके अंदर डिफेंशियल गियर दिए हुए हैं सर इसके मतलब यहाँ से लीवर दबा के हम जो है इधर दाएं या बाएं घूम सकते हैं घूम सकते हैं सर बिल्कुल मैम बढ़ते हैं आगे इसके जो टायर दे रखे हैं टायर किस टाइप के हैं टायरों के बारे में सर ये गुड्डी वाले टायर इसके अंदर दिया हुआ आप देख ही रहे हैं जो वाला टायर है इसका जी 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 अच्छा जैसे गियर बॉक्स देख रहे हैं है मैम जी सर गियर बॉक्स मशीन से कपल्ड है या इस पे कोई चैन बेल्ट कुछ इस टाइप से चल रहा है मशीन से कपल दिया हुआ डायरेक्ट जो है मशीन से कपड़ डायरेक्ट कपल दिया हुआ सर अच्छा जैसे मैम रोटरी है फिर पहिए भी चलने हैं तो एक ही तरह के गेयर लगाने पड़ते हैं डबल गेयर की व्यवस्था इसके अंदर दे डबल देयर का मतलब रोटरी के लिए अलग है और जो है टायरों के लिए टायरों के लिए अलग से अलग से व्यवस्था यहाँ से किसान भाइयों दे रखी है बढ़ेंगे इंजन की तरफ इंजन कितने एच पी का है मैम नाइन एच पी का इंजन दिया हुआ सर नाइन एच पी का इंजन किसान भाइयों को इसके अंदर मिल जाएगा अब हमारे किसान भाई अगर जुताई करते एक घंटा तो लगभग कितना फ्यूल कंज कम करता? से कम एक लीटर का लगेगा सर। एक लीटर का जी सर मैं मैंने तो ज्यादा सर जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिला दी वीडियो के माध्यम से लेकिन एक बार फिर से हम हमारे किसान भाइयों को कंफर्म कराना चाहेंगे इनके माध्यम से कार्य क्या क्या कर सकते हैं प्रॉपर सर देखिए जो ये अपने मशीनें हैं जो मेरे छोटे किसान भाई जो बड़े ट्रैक्टर को नहीं खरीद सकते और जहाँ पर बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा सकता वहाँ जाके ये मशीने काम कर सकते काम कर सकती हैं है। जैसे हम आलू की खेती करते हैं सब्जी की खेती करते हैं फलों की खेती करते हैं बाग या बगीचे में इनका काम बहुत ज्यादा रहता है जा पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर भी ये काम बहुत ज्यादा खूबी तरीके से करती है बिल्कुल बिल्कुल मैम जानकारी करेंगे अब इन सारी मशीनों के प्राइस को लेकर क्योंकि किसान भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं रेट को लेकर क्योंकि मशीनें जो है वीडियो के माध्यम से वीडियो के अंदर देखा उन्होंने चलते हुए भी कितने अच्छे से वर्क कर रही है अब मेन चीज रह जाती है रेट को लेकर रेट सबसे पहले इस वाले मॉडल के बारे में जानेंगे हम सर देखिए ये मैनुअल स्टार्ट नाइन एच पी का मैनुअल स्टार्ट का सत्तर हजार रूपए प्राइस रहता है सभी मशीनों में जी सर पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो डिलीवरी रहती है वो कंपनी की तरफ से रहती ये है ये हमारे किसान भाई को सत्तर हजार में मिल जाएगा जी सर अच्छा नेक्स्ट मॉडल जो देख रहे हैं जो कि सेल्फ स्टार्ट में सेल्फ स्टार्ट में जो मॉडल दे रहे हैं वो पचहत्तर हजार रूपए का रहेगा सर जी नाइन एच पी बिल्कुल इसके साथ ब्लेड रोटावेटर जो मिलने वाला है ब्लेड का रोटावेटर आगे बढ़ेंगे अगला जो मॉडल है बारह एच पी ये बारह एच का नब्बे हजार रूपए का रहेगा सर नब्बे हजार विद बैटरी मिलने वाला विद बैटरी और विद डिलीवरी चार्ज डिलीवरी चार्ज साथ ही साथ जो है रोटरी जो कॉस्ट रोटरी मिलेगी किसान भाई चालीस ब्लेड की चालीस ब्लेड का रोटर अच्छा इसका प्राइस जानेंगे किसान भाई सर देखिए वैसे तो इसका प्राइस एक लाख पचपन हजार रूपये रहता है लेकिन जो अपना दो हजार चौबीस चल रहा है इसके ऊपर इसका प्राइस निकाला हुआ है एक लाख पचास हजार पाँच हजार की जो है विशेष छूट डिस्काउंट दिया हुआ है सर पाँच का डिस्काउंट मिलने वाला है अब मैम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है लेकिन फिर भी जैसे आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग है अटैचमेंट को लेकर रोटावेटर तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में कुछ अन्य सर जो भी आप इतन, जहाँ इतना अटैचमेंट देख रहे हैं इनमें से कोई भी तीन अटैचमेंट आप साथ में ले सकते हैं तीन अटैचमेंट प्लस जो है रोटावेटर तो साथ मिलने ही वाला जी सर अब मैम सारी खूबियां जान चुके हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं किसान भाई ये सारी चीजें जानने के बाद मेन चीज आ जाती है किसान भाई पसंद करने के बाद इन्हें खरीदना चाहता है तो किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकता है कैसे देखिए वीडियो, कर वीडियो सकता है? में स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है वो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकता है और कॉल के माध्यम से अपना आधार कार्ड वगैरह मेरे को सेंड करेगा जी, जी, उसकी लोकेशन चेक करने के बाद हम उसको मशीन का बताएंगे कि मशीन उसके एरिया में इतने दिन में पहुंच जाएगी जी, 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 उसके बाद मेरे किसान भाई को मेरे कंपनी के अकाउंट में पाँच हजार रूपए बुकिंग चार्जेस देना होगा मतलब बुकिंग चार्ज देने के बाद में जो है उसकी मशीन प्रॉपर पैक प्रोपर करके प्रॉपर पैक करके उसके एरिया में पहुंचाई जाएगी जैसे उसके डिस्ट्रिक्ट में मशीन पहुंचती है तो बाकी का पेमेंट उसके डिस्ट्रिक्ट में मशीन पहुंचने के बाद उसके घर तक डिलीवरी होने पर उसको बाकी का पेमेंट तब देना होगा धन्यवाद मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए तो किसान भाई हमने ये डीजल के आपको चार वेरियंट दिखाई जिसमे दोस्तों बैक रोटरी भी शामिल है इनसे अपनी खेती को सरल सहज और सफल बना सकते हैं किसान भाइयों मज़दूरों की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगी इन मशीनों का यूज करते हैं तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ आपको इन मशीनों पर प्रॉपर अट्ठारह महीने यानी कि डेढ़ साल की वारंटी मिलने वाली है तो दोस्तों आशा करता हूँ हमने इस वीडियो के अंदर इन मशीनों की जो जानकारी दी है काफ़ी अच्छी लगी होगी और अन्य कोई क्वेरी अगर किसान भाइयों की है तो डिस्प्ले पे आपको नंबर चल रहा है दोस्तों वहाँ कॉल कीजिए संपूर्ण जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो आज की वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे नई शानदार वीडियो लेकर तब तक जै जै के लिए नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय